बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र नादौन विधायक और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भाजपा के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। सुक्खू ने कहा कि कारगिल युद्ध लड़ने वाले चुनाव लड़ रहे हैं तो वे राजनीतिक दल के सदस्य हैं। कारगिल युद्ध में हिमाचल के विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपनी शहादत दी थी, लेकिन जब उनकी माता ने पिछली बार बीजेपी से टिकट मांगा था तो उन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया था। क्या उस समय भाजपा को कारगिल युद्ध याद नहीं आया था? सारे लोग, सब गांव का छोटा, किसी भी पार्टी का था, कोई भी एनजीओ थी, सब लोग इस महामारी से लड़ने की प्रयास कर रहे थे, समाज को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना काल में भी पैसे कमाने का कार्य कर रहे थे। अभी सरकार है, इनकी फाइलें दबी हुई है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है कोरोना में। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ है उनकी इंक्वायरी आप कब तक करवाएंगे, क्योंकि आपको सही पिक्चर या तो पता नहीं लग रही, आप जानबूझकर उनको अनजाने में छोड़ रहे हैं। इन बातों का जवाब आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। लेकिन मंडी के लोकसभा उपचुनाव से आने वाले चुनावों की दिशा तय होगी, दशा तय होगी। मंडी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, 3 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव आ रहे हैं, वो भी कोई छोटा चुनाव नहीं है। अगर हम लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज एकजुटता से कार्य कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि जो चुनौती झूठी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामने रखी है, उस चुनौती का हम डटकर सामना करें। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स अब आपके शहर कांगड़ा में।